अच्छा वन में क्यों जाते थे महात्मा भजन करने? एक तो एकांत मिलता है और दूसरे आप शहर भर में घूमो, जैसे आप शहर से निकलोगे वहां बड़ा सुंदर मकान बना, बड़े ऊंची अट्टालिका हवेली, किसकी है? तो लोग क्या कहेंगे, अरे हमारे यहाँ के बड़े प्रसिद्ध सेठ जी हैं, उनका मकान है, सेठ जी का मकान, ये हवेली शर्मा जी की हवेली, ये फैक्ट्री गुप्ता जी की। अच्छा बोलो पूरे शहर में आपको मिलेंगे कि नहीं, ये सेठ जी की का मकान, ये गुप्ता जी की हवेली, ये शर्मा जी की फैक्ट्री, यही सब सुनने को मिलेगा कि नहीं? लेकिन वन में आप गए जंगल, अब जंगल में पेड़ उगे किसने लगाए? वहां नहीं है ना शर्मा जी, ना वर्मा जी, ना गुप्ता जी, कोई नहीं। अजय नहर तो सरकार ने बनवाई होगी जगह जगह, लेकिन नदी भगवान की बनाई हुई है। जिसने तारों को चहकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीस झुकाएं, वह परमात्मा है। इसीलिए वन में परमात्मा की याद आती ही है। नारद जी को याद आ गई भगवान की। निरखि सहल सरि विपिन विभागा, गंगा जी देखी हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमालय परिक्षेत्र में एक गुफा बनी हुई है, अत्यंत पावन है वो, पूरा हिमालय ही पवित्र है, प्रिय अति पावन क्यों? बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे ही वो उपत्यका, वह गुफा, बही बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे बही, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, कैसे गंगा